हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथीरिया। और जैसे कि हम लोग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर। उसमें लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था जो लास्ट पेयर पास्ट और फीचर्स के इंडेक्स नंबर होते हैं, जो यूनिट कन्वर्जेशन होता है, और वो सारे सम कैसे हैं, 5 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है। आज हम लोग कुछ ऐसे ही सम देखने वाले हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आपको इंटरप्रिटेशन पूछा होगा। मे बी ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आपको पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, क्लियर। तो अब हम लोग पहले देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19। उसमें आपको क्या बोला गया है, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 एंड 14। हम लोगों को जनरल इंडेक्स नंबर आता है तो दिमाग में क्या आता है कि भाई ज़्यादा 2 से ज़्यादा आइटम्स अवेलेबल होगी, ईयर वाइज उसका टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ आइटम करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमारे पास क्वेश्चन कैसा अवेलेबल है, क्लियर। तो पहले ही देखते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अवेलेबल है, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, हाउस रेंट एंड मिसेलेनियस, क्लियर। अब हम लोगों को देखना है, हमारे पास सेकेंड कॉलम W अवेलेबल है। आपको कोई भी मेथड बोला हो, अगर हमारे पास वेट अवेलेबल है तो हमारे पास W का वन एंड ओनली फार्मूला है, समेशन IW अपॉन समेशन W, वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमारा हो गया वेट। फिर हमें ऐसा दिया है कि ग्रुप इंडेक्स नंबर ऑफ 2015 एंड ग्रुप इंडेक्स नंबर ऑफ 2015, क्लियर। 14 और 15 का इंडेक्स नंबर दिया है गाइज, यानी कि हम लोग उसको डिनोट क्या करते हैं, बाय आई से, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ईयर के इंडेक्स नंबर अवेलेबल है, तो उसको डिफरेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे नोटेशन देते हैं I1 और I2। आप अगर नोटेशन नहीं देना चाहते हो तो भी चलेगा, आप ईयर भी मेंशन कर सकते हो उसके साथ, क्लियर। अब हमारे पास I अवेलेबल है, W अवेलेबल है, तो सिंपली हमें फॉर्मूला में पुट करने के लिए चाहिए क्या, समेशन IW अपॉन समेशन W, यानी कि I और W का मल्टीप्लीकेशन करना है और फिर उसका टोटल कंसिडर करना है। तो पहले हम लोग कंसिडर करते हैं I1 को W के साथ, फिर I2 को W के साथ, क्योंकि हमारे पास वेट सेम ही है, इंडेक्स नंबर अलग अलग है। तो फर्स्ट वन, वेट हमें हर किसी के लिए सेम ही रखना है, इंडेक्स नंबर चेंज करना है। पहले W के साथ I1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर I2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, 48 × 210 10080, फिर है 18 × 220 3960, फिर देन आफ्टर अवेलेबल है 18 × 210 1680, फिर देन आफ्टर अवेलेबल है 12 × 200 2400, फिर है 14 × 210 2940, एंड व्हाट इज़ द टोटल, 21060। चलो अब हम लोग सेम एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं I2 को विथ वेट W, क्या हो जाएगा, 48 × 230 11040 18 × 225 4050 18 × 220 1760 12 × 200 एंड लास्ट वन इज 14 × 235 3290, एंड व्हाट इज द टोटल, 22540, क्लियर गाइस। तो ये हम लोगों को मिल गए इंडेक्स नंबर के टोटल IW के। अब हम लोग उसमें पुट करते हैं कि हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है फॉर द ईयर 2014 एंड 15। तो हम लोग 14 का पहले इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, 210060 डिवाइडेड बाई, हम लोगों को समेशन W, यानी कि W का टोटल भी चाहिए, कितना हो रहा है W का टोटल, क्लियर। तो डिवाइडेड बाई हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे, 100। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 210.60, क्लियर। तो ये हो गया हमारा 2014 का जनरल इंडेक्स नंबर। अब हम लोग कंप्यूट करते हैं 15 के लिए, यानी कि हमारा वैल्यूएशन क्या होगा, 22540 डिवाइडेड बाई 100, आंसर हमारा बन जाएगा 225.40। तो गाइज ये हो गया हमारा 15 के लिए जनरल इंडेक्स नंबर। लेकिन क्वेश्चन में हमें इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से पूछा है, इफ़ द वेजेस ऑफ दिस वर्कर्स, यानी कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो वर्कर के रिलेटेड अवेलेबल है, तो अगर हम लोग उसका वेजेस यानी सैलरी में क्या चेंज करते हैं, इन ईयर 2014 आर इंक्रीज बाई 5% इन द ईयर 2015, यानी कि 14 के कंपैरिजन में 2015 में जब हम लोग उसको 5% इंक्रीमेंट देंगे, यानी कि वेजेस जो सैलरी है उसमें 5% एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे,
इज दिस राइज इन अ वेजेस, यानी कि अगर हम लोग ऐसा कुछ इंक्रीमेंट उसको देते हैं, इज दिस सफिशिएंट टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और नॉट, यानी कि अगर हम लोग उसको 2014 में से 15 में जब जाएंगे तब हम लोग उसको अगर 5% सैलरी में इंक्रीमेंट देते हैं तो क्या वो ये दोनों इंडेक्स नंबर के कंपैरिजन में सफिशिएंट है कि नहीं है। यानी कि क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं, 2014 में हमारा इंडेक्स नंबर ये है, क्लियर। 2015 में हमारा इंडेक्स नंबर क्या हो गया, 225.40, यानी कि इंडेक्स नंबर में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 14.8 हमारा इंक्रीमेंट हुआ है 2014 से 15 तक। तो अगर हम लोग सैलरी में 5% इंक्रीमेंट देंगे तो क्या वो सफिशिएंट होगा कि नहीं, तो हम लोग कुछ इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं कि भाई हमारा जो ईयर 2014 है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो कितना है, 210.60, क्लियर। एट दैट टाइम हम लोग इंक्रीमेंट कितना दे रहे थे, 5%, क्लियर। और 5% हम लोग काउंट किसके बेसिस के ऊपर करते हैं, 100 के बेसिस के ऊपर, क्लियर। 210.60 में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, किसके रिलेटेड, इंडेक्स नंबर आई के रिलेटेड, क्लियर। 210.60 इंडेक्स नंबर है 2014 में, तब इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 14.8, क्लियर। इतना समझ में आया गाइस, इंक्रीमेंट हमारा 14.8 हो रहा है इंडेक्स नंबर में, क्लियर। इंडेक्स नंबर 2014 का इतना है, 15 में इंक्रीमेंट इतना हो रहा है, परसेंटेज हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि वो किसके बेसिस के ऊपर काउंट होगा, 100 के बेसिस के ऊपर। तो व्हाट अबाउट 100, क्लियर। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे जो आंसर मिलेगा, अगर इंडेक्स नंबर इतना इंक्रीज हो रहा है तो हमें वेजिस में सैलरी में कितना इंक्रीमेंट देना चाहिए, क्लियर। यानी कि ये वाला क्वेश्चन अगर यहाँ पे हमें 5% आंसर मिलता है तो हमारा जो वेजिस है वो सफिशिएंट है। 5 से अगर हम लोगों को ज़्यादा आंसर मिलता है, यानी कि हम लोग कम सैलरी दे रहे तो सफिशिएंट नहीं है, अगर 5 से कम आंसर मिलता है तो हम लोग तो ज़्यादा सैलरी दे रहे तो सफिशिएंट है, क्लियर। तो पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्या आंसर मिलेगा हम लोगों को। कैलकुलेशन कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 100 × 14.8 / 210.60, व्हाट इज आंसर, 7.03 गाइस। यानी कि 2014 का इंडेक्स नंबर, 15 में इंडेक्स नंबर इतना बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 100% पे कितना इंक्रीज हो रहा है ये कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। अगर इंडेक्स नंबर यहाँ से यहाँ जाता है तो 100 से परसेंटेज कहाँ तक जाने चाहिए, 7.03 तक जाने चाहिए, क्लियर। लेकिन हम लोग सिर्फ कितना दे रहे हैं, 5%, यानी कि हम लोग उसको सैलरी प्रॉपर इंक्रीमेंट दे नहीं रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमने जो इंक्रीमेंट दिया है वो कैसा है, नॉट सफिशिएंट, क्लियर। ये समझ में आया गाइस, यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि इंक्रीमेंट इंडेक्स नंबर में यहाँ से यहाँ हो रहा है तो 100 से हमें कितना इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेशन है, क्लियर। तो हमें परसेंटेज में इतना इंक्रीमेंट देना चाहिए, लेकिन इतना इंक्रीमेंट नहीं दे रहे तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका जो लेवल है वो मेंटेन सफिशिएंट हम लोग नहीं कर रहे। देन नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 20 में हमें कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दिया है और फिर हमें बोला गया है कि फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2015। क्वेश्चन में ऐसा क्लैरिफाई किया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग आपको जाना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास टू मेथड्स अवेलेबल होती है, एक तो टोटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन फैमिली बजट मेथड, क्लियर। लेकिन हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। पहले तो ग्रुप अवेलेबल्स है, फूड, क्लोथिंग, रेंट, फ्यूल एंड मिसलिनियस। फिर देन आफ्टर हमारे पास डब्ल्यू अवेलेबल है। अगर गाइस क्लियरली डब्ल्यू अवेलेबल ही है, कोई भी मेथड बोला गया होगा, हमें फॉर्मूला तो कौन सा पुट करना है, समीशन IW वाला ही पुट करना है, क्लियर। फिर देन आफ्टर देखो, आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होता है गाइस, P1/P0, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, × 100। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया है, आई का, यानी कि ये जो हमें वैल्यूएशन दिया है वो किसका है, आई का वैल्यूएशन है, क्लियर।
अब हम लोगों को डब्ल्यू भी रेडीमेड अवेलेबल दिया है, आई भी रेडीमेड अवेलेबल है, तो हम लोग डायरेक्टली आई डब्ल्यू कर सकते हैं। क्लियर। आई डब्ल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 45 इंटू 130 5850, फिर है 20 इंटू 150 3000, 120 इंटू 15 1800, फिर 10 इंटू 160 एंड 10 इंटू 120 एंड व्हाट इज द टोटल 13450। क्लियर। अब हमारे पास फॉर्मूला ये अवेलेबल है कि समेशन आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू, यानी कि हमारे पास आई डब्ल्यू का टोटल अवेलेबल हो गया है 13450 डिवाइडेड बाई हमें चाहिए डब्ल्यू का टोटल। डब्ल्यू का टोटल कितना हो रहा है गाइस, चलो ये टोटल है हमारा 100, यानी कि डिवीजन में हम लोग क्या पुट कर देंगे 100। हमारा आंसर क्या होगा 134.50। ये हो गया हमारा इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू फैमिली बजट मेथड फॉर द ईयर 2015। ये किसके लिए है, 2015 के लिए है। क्लियर। अब गाइस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटरप्रिटेशन भी कुछ पूछा है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। इफ़ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली इज 30,000 ड्यूरिंग द ईयर 2014, यानी कि एक फैमिली का इनकम है 30,000 कब, ईयर 2014 में। क्लियर। हमारे पास पहले जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, उतना हम लोग लिखते जाते हैं। हमारे पास क्या अवेलेबल है, ईयर अवेलेबल है, ईयर, फिर क्या अवेलेबल है, इनकम। क्लियर। ईयर हमारा कौन सा है 2014, इनकम कितना है हमारा 30,000। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देयर एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2015 इज 35,000। 2015 में वो लोग कितना इनकम दे रहे हैं, 35,000। क्लियर। अब आगे देखते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द फैमिली बजट इंडेक्स नंबर व्हाट शुड बी द रेज इन द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि अगर हम लोगों ने जो ये फैमिली बजट मेथड का इंडेक्स नंबर फाइंड किया है फॉर ईयर 2015, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको कितना रेज देना चाहिए, यानी कि कितना इंक्रीमेंट देना चाहिए सैलरी में। ये लोगों ने तो बोल दिया है, कितना दिया है 30,000 दिया है, और 15 में कितना दिया है 35,000 दिया है, यानी कि 5,000 उन लोगों ने इंक्रीमेंट दिया है। ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट शुड बी द रेज, यानी कि क्या होना चाहिए इन द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिली टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग ऑफ द बेस ईयर, यानी कि हम लोगों को जो बेस ईयर के अकॉर्डिंग 30,000 है उसके इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, उसका सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कितना सैलरी में इंक्रीमेंट देना चाहिए। यहाँ पे तो इन लोगों ने बोल दिया है कि 35,000 हमने दिया है। क्लियर। लेकिन ये 35,000 राइट है कि रॉन्ग है, ये हमें पता नहीं है। क्लियर। अब हम लोगों के पास और क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हमें क्या बोला गया है कि फैमिली बजट इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। क्लियर। व्हाट शुड बी, तो हमारा क्या है, हमारे पास इंडेक्स नंबर भी अवेलेबल है, इंडेक्स नंबर। क्लियर। इंडेक्स नंबर हमारे पास कौन सा अवेलेबल है, हम लोगों ने अभी जो फाइंड किया वो किसके लिए था, 2015 के लिए। कितना, 134.50, यानी कि 2015 उसका इंडेक्स नंबर 134.50। क्लियर। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर हमारे पास किसी का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है और इंडेक्स नंबर का फॉर द बेस ईयर, और बेस ईयर हमारा कौन सा है 2015, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर पता नहीं है, तो हम लोग उसको कितना कंसिडर कर सकते हैं 100। क्लियर। यानी कि हमारे पास कुछ ये इन्फॉर्मेशन है, ईयर 14-15, इनकम है 30,000, 35,000 राइट है कि रॉन्ग है हमें पता नहीं है, कि सेम स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन कर रहा है कि नहीं, इंडेक्स नंबर है हमारे पास 100 एंड 134.50। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इंडेक्स नंबर 100 से 134.5 हो रहा है तो 30,000 से इनकम कितना होना चाहिए। क्लियर। 35,000 तो ये दे रहे हैं, लेकिन हम चेक करते हैं कि ये 35,000 राइट है कि रॉन्ग है। तो हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा कि अगर 100 इंडेक्स नंबर है तो इनकम 30,000 है, तो व्हाट अबाउट 134.50, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 30,000 इंटू 134.50 डिवाइडेड बाई 100। व्हाट इज द इनकम, कितना होना चाहिए, 40,350। गाइज अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर ऑफ 2015 हमें इनकम कितना देना चाहिए, व्हाट शुड बी
40350 और हम दे कितना रहे हैं 35,000, यानी कि हम लोग सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अगर हमें सेम ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन करना है तो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट शुड बी रेज, कितना और ज़्यादा देना चाहिए, क्लियर। तो हम लोगों के पास 35,000 दे रहे, इतना देना चाहिए। ये स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमें 35,000 में और कितना सैलरी ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग माइनस कर सकते हैं, यानी कि 40350 माइनस 35,000 कितना बचेगा गाइस, 5350, यानी कि हमें देना इतना चाहिए, हम दे इतना रहे, हमें और ज़्यादा इतना बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 5350 रुपीस, यानी कि व्हाट शुड बी रेज की जगह पे हमारा आंसर क्या होगा कि हमें 5350 रुपीस और ज़्यादा देने चाहिए, क्लियर।